बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम एक पतीले में 2 ग्लास के बराबर पानी ले लेंगे और उसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज, 3 से 4 अदद टमाटर और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। फिर जैसे ही ये टेंडर हो जाएंगे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। सब्जियों को उबालने के लिए हम एक पतीले में पानी ले लेंगे और फिर सबसे पहले हम उसमें 1/2 किलो मटर डाल देंगे। मटर डालने के बाद हम इसमें 1/2 किलो गाजर भी डाल देंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें 1/2 किलो आलू भी डाल देंगे और फिर आलूओं को भी साथ ही उबाल लेंगे। सब्जियों को उबालने के बाद हम इन्हें छान लेंगे और इनका पानी निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पर एक पतीला लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच अदरक पेस्ट भी डाल देंगे। फिर हम अदरक लहसुन को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से सॉटे करने के बाद अब हम इसमें अपना ब्लेंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे और फिर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और हसबे जायका नमक डाल देंगे और फिर मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाले की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे और फिर सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच कढ़ाई मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसे हल्की आंच पर पकने देंगे जब तक आलू गल ना जाए। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारा आलू गल जाएगा हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ ही अब हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद हम इसे गार्निश करके सर्व करेंगे। तो ये है हमारी सब्जी की फाइनल लुक और ये थी हमारी आज की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।